BTS फेस्टा आर्मीज और BTS के लिए एक बड़ा त्योहार है। ये एक ऐसी एनिवर्सरी है जिसको हर साल BTS के मेंबर्स और आर्मीज मिलकर मनाते हैं, लेकिन इस बार ये काफी खास थी क्योंकि ये BTS का 10th फेस्टा था, यानी BTS को हमारे साथ पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोगों ने काफी सारी चीजें करी थी BTS फेस्टा में, जैसे कि साउथ कोरिया तो पूरे तरीके से पर्पल कलर से रंग गया था, लेकिन ये बुखार इंडिया में भी नजर आया और काफी सारी BTS आर्मीज ने BTS फेस्टा को सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, आखिर BTS फेस्टा में क्या क्या हुआ ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो रिसेंटली BTS का फेस्टा निकला जिसके बारे में काफी जगह पर चर्चा थी। इवन साउथ कोरिया तो पूरा BTS के फेस्टा में ही नहाया हुआ था, यानी दोस्तों सोल की जो सिटी है वहां पर काफी सारी चीजें पर्पल हो गई थी। बहुत सारी फेमस जो कि प्लेसेस हैं, जैसे कि हान रिवर के ऊपर जो ब्रिज है और उसी के जैसी काफी सारी बड़ी जगहों को पर्पल लाइटिंग से सजाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सब कुछ देखने में। यही नहीं बल्कि BTS प्रेजेंस एवरीवेयर का थीम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज में BTS के फेस्टा के इवेंट को देखा गया और वहां पर मनाया भी गया। काफी सारी आर्मीज ने तो साथ में मिलजुल कर छोटे छोटे इवेंट्स रखे थे जहां पर BTS की आर्मीज मिलकर फेस्टा को सेलिब्रेट कर रही थी और इंडिया में भी ये फीवर देखा गया। बहुत ही सारे आर्मीज ने इंडिया में भी BTS फेस्टा को मनाया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही था कि सुबह से ही इंडिया में BTS के हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड हो रहे थे, जैसे कि BTS एवरीवेयर या फिर 10 इयर्स विद BTS। यही नहीं बल्कि बहुत ही सारे iTunes और बहुत ही सारे चार्ट्स में BTS के सॉन्ग्स ने टॉप किया क्योंकि दिन भर BTS की आर्मीज उन्हीं के गाने सुन रही थी। यही नहीं बल्कि इंडिया के म्यूजिक चैनल VH1 पर सुबह से ही BTS के सॉन्ग आ रहे थे और काफी घंटों तक लगातार वही सॉन्ग्स प्ले होते रहे थे, क्योंकि BTS का फेस्टा है यार, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसको BTS और आर्मीज ने मिलकर सेलिब्रेट किया। BTS के मेंबर्स भी व्यूवर्स पर ऑनलाइन आए थे और सभी ने अपने अपने मैसेज आर्मीज के साथ शेयर किए। जैसे कि BTS के मेंबर वी ने तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी स्टोरीज डाली थी। उनके सिवा BTS के बाकी मेंबर जैसे कि जंगकुक, जिमिन, आरएम, जिन सभी ने आकर व्यूवर्स पर अपने मैसेजेस आर्मीज के लिए लिखे थे। काफी लंबे मैसेज जिमिन, जंगकुक, आरएम और बाकी सभी मेंबर्स ने आर्मीज के लिए छोड़े थे। इवन जिन भी ऑनलाइन आए थे और उन्होंने मिलिट्री बेस से ही अपना मैसेज आर्मीज के लिए लिखा था। काफी सारे BTS मेंबर्स ने बताया कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि कितनी जल्दी 10 साल बीत गए। इन सभी सालों में उन्होंने आर्मीज के साथ बहुत ही सारी मेमोरीज क्रिएट करी और वो आगे भी इन मेमोरीज को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। BTS के मेंबर्स ने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि BTS के मेंबर्स और आर्मीज इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे और आने वाली 28th एनिवर्सरी भी जरूर मनाएं। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने BTS का फेस्टा कैसे सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।